आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें कि आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें और जो कुर्बान हो गए हमारे देश के लिए उनका झुककर सलाम करें। सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय हिंद नमस्कार। साथियों मैं वैभव सिंह आपके अपने YouTube चैनल से। साथियों बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे 26 जवान जो कि लद्दाख में भरी हुई ट्रक में जा रहे थे, स्वैक नदी के ऊंचाई तट पे थे, वहां से 50 से 60 फुट की ऊंचाई में खाही में गिर पड़े, जिनमें से हमारे 7 जवान शहीद हो गए और हमारे कुछ जवान घायल हैं। मैं भगवान से विनती करता हूं कि हमारे जो जवान घायल हैं वो अच्छे से ठीक हो जाएं, यही विनती है हम सभी भाइयों की तरफ से और हमारे देशवासियों की तरफ से। भाइयों कहते हैं ना कि कोई जैसे एक्टर होता है, एक्टर पिक्चर होते हैं भैंडचोद, मैं तो उनको मानता नहीं, ठीक है ना, दिखावा होते हैं भैंडचोद, खाली वो दिखावा करते हैं। जब वो मर जाते हैं भैंडचोद ना, तो क्या होता है कि पूरे भारत में हड़कंप मच जाता है। तो सुनिएगा, मैं 2 लाइन बोलूंगा कि आज हमारे देश में कुछ जवान शहीद हो गए तो पूरे मीडिया न्यूज वाले मौन थे, कि आज हमारे देश में कुछ जवान शहीद हो गए तो पूरे मीडिया न्यूज वाले मौन थे। सुना है कि एक बॉलीवुड का सितारा चला गया तो पूरे भारत में हड़कंप मच गया, ये तो लद्दाख में जवान शहीद होने वाले कौन थे? मैं इनसे प्रश्न करता हूं, मैं कुछ मीडिया वालों से प्रश्न करता हूं कि ये बस क्या है? एक मीडिया वालों ने क्या लिखा था भैंडचोद, जानते हो क्या लिखा था? कि 7 जवान मर गए। अरे मादरचोद, वो मरे नहीं है, शहीद हो गए, अमर हो गए, उनको मरना नहीं कहते मादरचोद, मरते तो मादरचोद एक्टर वेक्टर भैंडचोद, ठीक है ना। हमारे जवान है, हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, हम सबको बचाते हैं। अगर सोचो सो जाएंगे तो क्या होगा, साफ हो जाओगे बहन चोद, दूसरों के गुलाम हो जाओगे। तुम उनको मादर चोद लिखते हो कि वो मतलब बहन चोद उनको लिखते हो कि तुम लोग की उम्र गए, उमरे नहीं है, अमर हो गए, ठीक है ना। हाल ही में एक नेता ने बोला था, हमारे भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, नेता भैंडचोद क्या बोलते हैं कि मरते तो मरने के लिए पैसे लेते हैं, वहां जाने का भैंडचोद कौन करेगा 50-60-30-40 हजार पे नौकरी। भैंडचोद मैं तुमको देता हूँ मादरचोद 1 लाख रुपया महीने का देता हूँ मादरचोद, तुम जाके मौत के मुंह में भैंडचोद घुसो मादरचोद, तुम मरो तब जाने भैंडचोद। वो क्या बोला, मरते तो मरने के लिए पैसे लेते, तो सुन भैंडचोद कि तूने 10-10 लाख दिया वीरों के विधवाओं के, सोचा कीमत लौटा दिया वीर पसूता माओं को, कि तूने 10-10 लाख दिया वीरों के विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दिया वीर पसूता माओ को, अरे मैं 20-20 लाख दूंगा उन किस्मत के एटों को, हिम्मत तो लड़ने पे जब मंत्री अपने बेटे को। बहुत यार बहुत ज्यादा लोग फैलाते हैं ना कि ये वो जवान, अरे जवान अपने देश के लिए जान देते हैं, शहीद हो जाते हैं, हर परिवार सब छोड़ देते, बहन जो 2 दिन के लिए बहन जो तुम लोग घर छोड़ देते हो तो तुमको घर वाले याद आते हैं, यार मेरे घर पे सब कैसा होगा। बहन तो सोचो कि वो 1-1 साल 2-2 साल छुट्टी नहीं पाते हैं यार, घर ही नहीं आते हैं, भूल जाते हैं कि मेरा मतलब उनका पूरा फैमिली वही हो जाता, जंगल में जिंदगी काट लेते हैं, पहाड़ों पे जिंदगी काट लेते हैं। बैठ जो तुम लोग जब पार्लियामेंट में बैठ के, बैठ जो तुम लोग जब बैठ के मादरचोद कैंटीनों में पार्टी करते होते, महंत सोचो कि वो कहाँ रहते हैं, बॉर्डर पे लगे रहते हैं, अकेले तैनात रहते हैं मादरचोद, लेकिन तुम लोग उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हो, हमारे जवान के बारे में। तो मैं भगवान से विनती करूंगा जो भी जवान हमारे घायल हैं, ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से भगवान उनको सही कर दे, तो हम देशवासियों की तरफ से यही एक विनती है, ठीक है ना। और सुन लो, एक जवान जाएगा तो दूसरा जवान तैयार है, ये भारत है साहब, यहाँ एक फौजी शहीद होता है तो हजारों शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं, कि यहाँ गली गली में वीर मिलते हैं, यह देश वीरों का खजाना है, कि यहाँ गली गली में वीर मिलते हैं, यह देश वीरों का खजाना है, यहाँ बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है, और बाप को शहीद हुए एक साथ भी नहीं होता, बेटा अपनी माँ से कहता हमें भी फौज में जाना है। तो साथियों मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि मालिक से भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें कि जो जवान हमारे घायल है उनको सुरक्षित रखें, उनके परिवार वालों पे भी भगवान की दया दृष्टि बने रहे। सोचो जब एक जवान ड्यूटी कर रहा होता है सरहद पे, जब उसके घर अचानक भी कोई सी भी कॉल आ जाती है ना, मतलब 12 बजे रात को या 1 बजे रात को कोई भी कॉल आ जाती है ना, तो उसकी माँ के दिल पे क्या एकदम डर जाता है कि क्या हुआ, कैसा कॉल आ गया, उनको क्या, उनको उनका मन लगा रहता है। सोचो जवान तो ड्यूटी कर ही रहता है रात में, लेकिन उनके घर वाले भी नहीं सोचे, क्योंकि उनका एक बेटा सरहद पे है, उनको मतलब टेंशन लगा रहता है कि हमारा बेटा सरहद पे है, लेकिन भैंडचोद ये लोग तो सोचते ही नहीं है, भैंडचोद आपस में मरे जा रहे हैं, भैंडचोद जो है ना मतलब आपस में ही मरे जा रहे हैं, कटे मरे जा रहे हैं, वो ऐसा वैसा, भैंडचोद ऐसे कट ऐसे चलोगे तो मतलब भारत कैसे चल पाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग जो ये मीडिया, खासकर मेरा सवाल किसी से नहीं है, मीडिया वालों से है कि जो लिखते हैं कि मर गए तो भैंडचोद, आज के माइनस कान खोल के सुन लेना, हमारे कोई भी जवान हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो और
और चाहे वो आर्मी हो, ठीक है ना, चाहे वो बीएसएफ हो, एयरफोर्स हो, या मतलब नेवी हो, कोई भी हो, हमारे वो जवान है भारत के, वो शहीद होते हैं, अमर होते हैं, मरते नहीं है बैंड जोत। कभी खबर में ये मत छाप देना कि हमारे जवान मर गए, बैंड जोत मरते कायर बैंड जोत, वो हमारे देश के जवान है, शहीद होते हैं, हमारे लिए बलिदान देते हैं, हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो भी हमारे फौजी भाई जो घायल है, तो मैं भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उन्हें स्वच्छ रखने की कामना प्रदान करें। और इसी के साथ आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।